बताओ भगवान किसे कहते हैं? नहीं, देखो गलत बात है। सनातनी हो ना तो आपके भगवान को दिन रात तुम पूजते हो, भगवान 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 भगवान, और भगवान की परिभाषा ही नहीं जानते हो। कल को कोई विधर्मी तुमसे पूछ ले कि भगवान किसे कहते हैं, तुम तो जवाब ही ना दे पाओगे। तुमने सत्संग करना छोड़ दिया, तुमने ज्ञान को धारण करना छोड़ दिया, इसलिए विधर्मी बढ़ गए। तुमने समझना और समझाना छोड़ दिया। तुम भगवान भगवान तो करते हो पर भगवान का अर्थ नहीं समझते हो, इसलिए लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। और बदनाम कौन हो रहा है? अरे वो तो इतना बड़ा भक्त था फिर भी वैसा हो गया, क्योंकि उसे भक्त का अर्थ ही नहीं पता था। भक्ति कहते किसे हैं, भगवान किसे कहते हैं, कुछ पता ही नहीं। बस सब लोगों को तो ये लगता माला जप रहे हैं मतलब भक्त हैं। माला जपना और भक्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ये औपचारिकता भी तो हो सकती है, आपका मंदिर जाना फॉर्मेलिटी भी तो हो सकता है। जरा पूछ लिया जाए कि भक्त की परिभाषा दीजिए। अभी मैं भक्त की परिभाषा बाद में बात करूंगा, पहले भगवान की तो बताओ, जिसको तुम दिन रात पूजते हो भगवान किसे कहते हैं? सुनो, भगवान किसे कहते हैं तो सुनो, भगवान शब्द में कितने अक्षर हैं? भगवान में कितने अक्षर हैं? 5। भा ग वा आ, मात्रा भी लगी है आ न, भगवान भगवान 5 हो गए, मात्रा भी गिन लो 5 हो गए। भा मतलब भूमि पृथ्वी, भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन आकाश भग, वा मतलब वायु हवा, आ मतलब अग्नि, आ मतलब अग्नि आग, ना मतलब नीर पानी, भाग वा ना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये पंच तत्व प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। पंच महाभौतिक हम किसकी उपासना करते हैं? प्रकृति की। इसलिए हिंदू धर्म में ध्यान से सुनना, नदियों की पूजा का वर्णन है। क्या पूजा है? नदी, नदी प्रकृति है कि नहीं? पहाड़ों की पूजा करते हैं हम लोग, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, तिरुमला पर्वत, पर्वतों की पूजा करते हैं, प्रकृति है ये। तुम्हारी दादी अम्मा पीपल की पूजा करती थी, बटवृक्ष की आंवला, नवमी में आंवला की और तुलसी की पूजा, ये प्रकृति है। हम लोग नाग पंचमी को सांप को दूध पिलाते हैं, सांप भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। गाय, गाय को रोटी खिलाना, गाय क्या प्रकृति का अभिन्न अंग नहीं है? कौए को दाना, पक्षी को दाना, चींटी को दाना और कुत्ते को रोटी आखिरी वाली, ये प्रकृति हो गई, बोलो हाँ। आकाश की तरफ तुम रोज सूर्य भगवान को देखते हो, आकाश की पूजा, सूर्य की पूजा। तुम रोज पृथ्वी माँ को प्रणाम करके जागते हो, हे पृथ्वी माता जाग गए कृपा करो, है ना? तो तुम पुजारी हो किसके? तुम्हारा भगवान केवल पत्थर में नहीं है, तुम्हारा भगवान हर जीव मात्र में, प्रकृति ही परमात्मा है। जहां देखो वह ईश्वर ही ईश्वर है, जल में ईश्वर, थल में ईश्वर, आकाश में ईश्वर, अग्नि में ईश्वर, कहां नहीं है? एक वस्तु बताओ जहां ईश्वर की सत्ता ना हो। इसलिए हमारा धर्म बड़ा साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, हम प्रकृति के उपासक हैं। बात सही है कि गलत है? सही है। आप भी 5 चीजों से मिलकर बने हैं। आप कितने चीजों से मिलकर बने हैं? कौन कौन से? मैया आप काय से बनी हो? कौन? धातु लोहा, लंगड़, सोना, चांदी, तांबा। ये हम सब कितने चीजों से मिलकर बने हैं? 5। क्या क्या? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये पूरा ब्रह्मांड इन 5 चीजों से निर्मित है। तो हमारे यहां
प्रकृति ही परमेश्वर है। इसलिए हमारे यहां भगवान की पूजा बिना तुलसी और बिना पुष्पों के नहीं होती। शंकर जी हैं तो बिल्व पत्र, भगवान नारायण हैं तो तुलसी, गणेश जी हैं तो दूर्वा। अरे दूर्वा, बिल्व पत्र, तुलसी क्या है? प्रकृति है, ये सब प्रकृति में तो हो रहा है। तो हमारे भगवान प्रकृति ही परमेश्वर है और परमात्मा उस प्रकृति का पुजारी है, परमात्मा उस प्रकृति से प्यार करने वाले हैं। इसलिए भगवान राम का जन्म हुआ अयोध्या में और अयोध्या में सरयू जी हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ श्रीधाम मथुरा में, मथुरा में यमुना जी हैं। हमारे भारत के हर तीर्थ आप उठाकर देख लो, हर तीर्थ नदी के किनारे ही मिलेंगे आपको। हम समुद्र की पूजा करने वाले हैं, इसलिए हमारे यहां एक त्योहार होता है। ये मैया को जगा दे, त्योहार होता हमारे यहां मकर संक्रांति। बताओ मकर संक्रांति में कहां का मेला लगता है? कहां मकर संक्रांति को कहां का मेला लगता भैया? नहीं पता कहां का? बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर। हम सागर की पूजा करते हैं, सागर मतलब समुद्र, प्रकृति। समुद्र क्या है? प्रकृति है नहीं, पूरा हम प्रकृति के उपासक रहे हैं। लेकिन आज का इंसान एक सिकुड़ता चला जा रहा है। आज के पढ़े लिखे बच्चे क्या कहते हैं? अरे तुम पीपल की पूजा करती हो, पागल हो, लोग तुम्हें पागल कह रहे हैं तुम पीपल की। आजकल कोई गिरिराज जी की पूजा करे लोग कहते पागल है। अरे भैया ये प्रकृति है, भगवान का स्वरूप है, समझो ना। सनातन धर्म को समझने के लिए धरा में उतरना पड़ेगा और बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, तब सनातन का साइंस समझ में आएगा, सनातन का विज्ञान समझ में आएगा। हमारा विज्ञान जानते हो कितना परफेक्ट है? देखो हमारे यहां कुंभ लगते हैं, बताओ कितने साल में कुंभ आता है? बोलो 12 साल। क्यों आता है 12 साल में? विज्ञान क्या है इसके पीछे का? अरे 12 साल में, ये तो दुनिया को आज पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है लगभग। बृहस्पति अपना चक्कर लगाते हैं कितने साल में? 11 महीने कुछ दिन, मतलब 12 महीना मान लो, मतलब 12 वर्ष, 11 वर्ष कुछ महीने, मतलब 12 साल लगभग। आज दुनिया को पता चला कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल का है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जब सैटेलाइट नहीं थी तब जान गए, और जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तब जाके एक कुंभ लगता है भारत में। और ये परंपरा हजारों साल से रही है, साइंस नहीं था जब सैटेलाइट नहीं थी, तब से ये हमारे यहाँ की परफेक्ट वैज्ञानिकता रही सनातन धर्म की। मतलब कितना परफेक्ट, 12 साल में एक बार ही कुंभ क्यों आता है? कारण जान गए ना, कितना वैज्ञानिक धर्म है हमारा सनातन। अब कोई कितने भी उंगली, इसलिए सारी दुनिया में केवल सनातन धर्म को दुनिया टारगेट करती है। क्यों? क्योंकि टारगेट करने जैसी बात सनातन में ही है, इसलिए, वरना दुनिया किसे देखती है? भाई आप में कुछ खूबी होगी इसलिए तो आप पर उंगलियां उठाई जाएंगी, वरना रास्ते चलते को कौन देखता है, कौन पूछता है? कुछ बात होगी ना आप में तो दुनिया आपको बुरा भी कहेगी भला भी कहेगी। आप में कुछ बात ना होगी तो लोग बुरा भी क्यों कहेंगे? आज के जमाने में बुराइयां भी लोग किसकी करते हैं, जिसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं। अच्छाइयां ना होंगी तो बुरे आदमी की बुराई किसे करने की फुर्सत है? कौन बैठा है इतना फ्री? आप अपने गांव के, आप अपने क्षेत्र के उन लोगों की बुराई थोड़ी करते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। अरे बुराई भी किसी धन्ना सेठ की करेंगे आप लोग,
कोई आपसे बेहतर व्यक्ति की ही बुराई आप करेंगे, उसी में आपका इंटरेस्ट आएगा, वरना सामान्य की तो आदमी बात भी नहीं करता, बुराई की तो छोड़ो। हाँ या ना मैया, साची है? हमारा सनातन धर्म मस्त वैज्ञानिक है। तो भगवान किसे कहते हैं? प्रकृति को। अच्छा दूसरी परिभाषा सुनो, केवल एक नहीं और भी सुनो, याद कर लो काम आएगी। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना कान के सुनता हो, जो बिना आंख के देखता हो, जो बिना पांव के चलता हो, उसे भगवान। बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलता हो। कौन है बिना पांव के चलने वाला? कहां चले बिना पांव के? चलो बताओ, भगवान बिना पांव के चलते कहां चले? उदाहरण दो, चलो बताओ, बिना पांव के कहां चले भगवान? उदाहरण देके बताओ। हम आपको कथा का सार सार सुना रहे हैं, समझ में आए तो बताओ। सीधी सीधी कथा सुनना हो तो हम वो सुनाए। एक राजा था एक रानी थी, एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये कहानी सुनना हो तो बताओ कि हम सार सुनाए। क्या सुनाए? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये शास्त्र ही, ये भागवत का ही रहस्य है। ये गहरी बातें हैं, पर गहरी बातें तो गहराई में जाके प्राप्त होंगी ना। अब गहराई में जो जाएगा वो गहरी बातें करेगा, नहीं जाएगा तो करेगा क्या? तो ध्यान से समझना। चलो बताओ, बिना पांव के भगवान कहां चले? देखो आया ना, ये चौपाई किसे याद है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। अब यहां लिखा है कि बिनु पग चले ही। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भगवान बिना पांव के कहां चले? क्यों लिखा है ऐसा? लिखा है मतलब होगा तब तो लिखा है। तो बताओ, बिना पांव के भगवान कब चले, कहां चले, किसके लिए चले, बताओ या हम बता दें? मैया सुन रही हो नमा, सुनो। बिनु पग जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय तो कृष्ण द्वारिका में थे और पुकार रही थी हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर मतलब मेरठ, आज का वर्तमान का मेरठ ही प्राचीन हस्तिनापुर है, आज उसे मेरठ नाम दिया गया, पहले वो हस्तिनापुर था। अब मेरठ से एक लड़की बुला रही है द्वारिकाधीश को, द्वारिका में जो विराजे। उस समय श्री कृष्ण कहां थे? भगवान तो कणकण में है लेकिन द्वारिका में थे। अब द्वारिका से कोई इतनी देर में आ सकता है क्या? साड़ी उतर रही है और आप, भैया साड़ी उतर रही है, बचाओ प्रभु, भगवान आए तो क्या पांव वाला इतनी जल्दी आ सकता था? संसार की कोई आधुनिक मशीन इतने जल्दी काम करती है? लेकिन भगवान बिना पांव के दौड़ पड़े और दौड़ पड़े और दौड़े ही नहीं, बिनु पग चले ही। बताओ द्रौपदी के लिए बिना पांव के दौड़े कि नहीं और टाइम से आए कि नहीं? तो बिनु पग चले ही सुने ही बिनु काना, द्रौपदी ने पुकारा मेरठ में था और पुकारा सुन लिया कहां? द्वारिका में। तो बिना कान वाला कितना सुनेगा, कितनी दूर की सुनेगा, पर भगवान सुन लिए ना। तो बिना पांव के दौड़े और बिना कान के सुना, और कर बिनु कर्म हाथ नहीं लगाया और साड़ी बढ़ा दी, लाज बचा दी। हाथ लगाए बिना जो लाज बचाते हो उन्हें भगवान कहते हैं। जो बिना पांव के चलते हो, बिना कान के सुनते हो, जो बिना हाथ लगाए लाज बचाते हो उन्हें 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 भगवान कहते हैं। और सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा, क्या सारे लोग भगवान हो सकते हैं? क्या आप में से कोई भगवान हो सकता है? तो भगवान की पहचान क्या है? भगवान किसे कहते हैं? तीसरी परिभाषा सुनना, भगवान किसे कहते हैं? जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं,
जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाए उन्हें भगवान कहते हैं, जिनके पांव लक्ष्मी जी नहीं दबाए, आपके पांव क्या लक्ष्मी जी दबा सकती हैं? इसलिए आप और हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान के अंश हो सकते हैं, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश ही आत्मा के रूप में हमारे भीतर है। तो लक्ष्मी जिनके चरण दबाएं वो भगवान है, इसलिए नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण। भगवान किसे कहते हैं? जिनके हाथ में चार चीजें हों, शंख, चक्र, गदा, पद्म, मतलब कमल का पुष्प, ये चार जिनके पास हो वो भगवान कहलाते हैं। सारे भगवान कोई भी, जैसे आप कहते हो ना, आप कहते हो हमारे मंदिर में इतने सारे भगवान हैं, ना भगवान इतने सारे, आपने ये कह दिया कि इतने सारे भगवान, ये सेंटेंस ही गलत हो गया। भगवान इतने सारे होते ही नहीं, भगवान तो एक है। इसलिए जब राम जी प्रकट भए तो आपने ध्यान से सुना होगा, भगवान राम जब प्रकट भए थे कौशल्या जी के यहां तो कितने हाथ लेकर आए थे? आयुध भुज चारी, नहीं आप लोग स्तुति गाते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इसी में तो आता है आयुध भुज चारी, चारों आयुध लेकर आए और चार भुजा लेकर आए राम, मतलब वही नारायण राम बनकर आए, चार भुजा लेकर आए। बाद में माता कौशल्या ने कहा चार नहीं दो बाला चाहिए, तो दो गायब कर दिए। और सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा, सुनी बचन सुजाना, माता के वचन सुन करके राम जी रोने लग गए, क्योंकि संसार में आए हैं बालक बन के तो लीला करनी पड़ेगी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे, आना पड़ता है तो लीला करना है तो सिस्टम से चलना पड़ता है भगवान को। तो भगवान राम भी भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण भी जब प्रकट भय तो लिखा है तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम, देखो लिखा है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो उनके भी चार हाथ चतुर्भुज, बाद में दो हाथ गायब किए, और द्वारिका में भगवान जितने टाइम रहे भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में ही रहे, इसलिए द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे ना तो चतुर्भुज में ही दर्शन है।